पृथ्वीपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दल खास करके भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। जहां कांग्रेस से नितिन सिंह राठौर मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा से डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में जहां भाजपा वंशवाद को खत्म कर गुंडागर्दी बनाम दहशतगर्दी को समाप्त कर जनता के बीच आ रही है, तो वहीं कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर भाजपा पर बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने, स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने की बात कर रही है। हालांकि चुनाव अब अंतिम दौर में है। 27 तारीख से आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 30 तारीख को यहां वोट डाले जाएंगे। वहीं जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो कुशवाहा मतदाता 30,000 हैं, अहिरवार 25,000, यादव 23,000, ब्राह्मण मतदाता 20,000। वहीं टोटल वोटरों की संख्या 1,97,255 है, जो यहां अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं इस चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं और लगातार 6 सभाएं आयोजित कर आज 7वीं सभा आयोजित करने के लिए पृथ्वीपुर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ के द्वारा एक ही सभा आयोजित की गई। भाजपा के द्वारा कांग्रेस को घेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके लिए भाजपा ने अपने एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री, सांसद और संगठन के लोगों को तैनात किया है। तो वहीं कांग्रेस चुनाव प्रभारी ग्वालियर के दक्षिण विधायक प्रवीण पाठक यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और उनके साथ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह सहित आधा दर्जन विधायक चुनावी मैदान में कसरत से आ रहे हैं। अब ऊंट किस करवट बैठता है ये तो 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा। उपचुनाव मेरा तो देखिए, मेरा तो राजनीति से पहले वास्ता ही नहीं था। ये परिस्थितिवश मुझे राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा जनता की सेवा करते रहे और कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते 40 वर्ष वो सेवा करते रहे। मुझे परिस्थितिवश अनायास मेरे पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ और मुझे राजनीति में आना पड़ा। लेकिन हमारे सब वरिष्ठ, जो हमारे पारिवारिक क्षेत्र के जनता, जितने जो वरिष्ठ बुजुर्ग लोग जो मेरे पितातुल्य हैं, सभी लोगों ने, माताओं बहनों ने ये तय किया कि इसको मुझे आगे आना चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए। उन सब के आशीर्वाद से मैं आगे आया हूँ और मैं निश्चित रूप से जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ और क्षेत्र में विकास के लिए आगे आया हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करना और विकास पर कार्य करना, जनता की सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा और जनता जो विश्वास रखती है उस विश्वास पर भी खरा उतरूँगा। और एक ही हमारा मुद्दा है कि जनमानस की सेवा हो, कहीं शोषण और अत्याचार ना हो सके और क्षेत्र में भौतिक विकास हो, मानव संसाधनों का विकास हो, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को पानी और बीज की, खाद बीज की सुविधा उपलब्ध हो और क्षेत्र में जितनी भी हमारे पर्यटक केंद्र हैं उनका भी विकास हो, कोई भी ऐसा डायमेंशन ना हो, समाज के कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जिस पर, जिस तक विकास की किरण ना पहुँच सके, प्रत्येक वर्ग तक, प्रत्येक कोने तक, हर जगह विकास की किरण पहुँचे, हमारा प्रयास होगा। अच्छा, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे और क्या आपकी योजना है? देखिए, हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जनता की सेवा करना और जनता की सेवा के आधार पर ही हम अपना निवेदन लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और विश्वास इस बात का है कि जो हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज जी ने जो जनहितैषी कार्य किए हैं, उन कार्यों के आधार पर, जनता की सेवा के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। इस बार क्या चुनौती मान रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जनता पार्टी ने इतना काम किया है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पृथ्वीपुर से दिनेश झा की रिपोर्ट।